टाइम ट्रेवल, एक ऐसा टॉपिक जिसने कई सारे लोगों की रातों की नींद उड़ा के रखी हुई है। और खास करके ये नींद तब ज्यादा उड़ जाती जब आपको पता चलता है कि अगर बात किया जाए तो थ्योरेटिकली तो टाइम ट्रेवल पॉसिबल होता है, पर अगर वो थ्योरी की बात की जाए जिसको कई सारी मूवीज में यूज किया जाता है, तो टाइम ट्रेवल के भी कई सारे तरीके आप लोगों को देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक तरीका हम लोगों ने एवेंजर मूवी में देख के रखा हुआ था, जहां पर ये बताया गया था कि अगर आप पास्ट में जाकर टाइम ट्रेवल करते हैं तो आपके पास्ट में किए गए एक्ट का उसी फ्यूचर पे कोई असर नहीं पड़ता है। वहां पर जनरेट हुआ था मल्टीपल टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट, जहां से मल्टीवर्स का यहां फॉर्मेशन हुआ था। फिर वहीं जैसे जैसे आप लोकी की सीरीज पर आए तब जाकर आप लोगों को यह पता चला कि एक ऐसा टाइम ट्रेवल भी होता है जहां पर आपके पास्ट में किए गए एक्ट का जो भी कोई असर होता है वो फ्यूचर में देखने को भी मिलता है। इसके अलावा एक और तरह का हम लोगों ने टाइम ट्रेवल देखा था जिसको कहा जाता है टाइम स्लिप, जहां पर आपकी कॉन्शियसनेस जो होती है वो जाती है फ्यूचर में या पास्ट में, जिससे कि आप आने वाले आउटकम्स को देख सकते हो और साथ ही साथ में उसमें चेंज भी कर सकते हो। पर आखिरकार इनमें से कौन सा टाइम ट्रेवल रियल होता है, कौन सी थ्योरी है जो यहां पर सही है और कौन सी थ्योरी है यहां पर गलत है, इन सभी बारे में जानेंगे हम लोग। और साथ ही साथ में जानेंगे कि स्पेस टाइम फैब्रिक यहां पर आखिरकार किस तरह से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और आखिरकार ये जो डायमेंशंस होती हैं और ये जो डायमेंशनल बीइंग्स होते हैं उनका इसमें क्या रोल होता है। तो ये सभी बातों को अगर आपको जानना है तो चैनल को कर दो फटाफट से सब्सक्राइब, साथ ही साथ में इसको शेयर भी कर देना, और पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। चलिए जी, तो शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। तो इन सभी बातों को जानने से पहले हम लोगों को एक बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग हमेशा इस बारे में बात करते हैं कि जीवन की जो शुरुआत है या फिर ये जो यूनिवर्स है उसके जो क्रिएशन हुई है वो किसी एक सिंगल पॉइंट से हुई है। तो यहां पर भी अब थोड़ा सा हम लोग साइंटिफिक वे में इसको समझते हैं कि ये जो सिंगल पॉइंट या सिंगल डॉट होता है इसे कहा जाता है जीरो डायमेंशन। ये जो जीरो डायमेंशन होती है ये प्रेजेंट होती है नथिंग में, जहां पर कुछ भी नहीं होता है। जब दो जीरो डायमेंशंस को मिलाया जाता है किसी लाइन के थ्रू तो ये बनती है आपके पास में वन डायमेंशन, और इन दोनों डायमेंशंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है या जो जगह होती है उसे कहा जाता है स्पेस। और जब कभी भी आप ट्रेवल करते हो इन डायमेंशंस के बीच में तो यहां पर आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसे कहा जाता है टाइम। ये जो टाइम होता है ये आपके पास में पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने पे और बी से ए जाने पर भी हेल्प करता है। अब होता क्या है कि जब कभी भी ये सिंगल डायमेंशन आपके पास में फॉर्म होती है तो इस पे अगर कोई प्रेजेंट होता है तो वो कहलाता है वन डायमेंशनल बीइंग। और अगर मैं बात करता हूं कि इस तरह से एक पॉइंट और यहां पे कनेक्ट कर दिया तो ये कहलाता है टू डायमेंशनल, जहां पर आपके पास में प्लेन प्रेजेंट होता है, जहां पर आपके पास में लेंथ और ब्रेथ दोनों होती है, मतलब कहा जाए तो लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है। अब इन सभी के बाद में अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो एक थर्ड डायमेंशन और यहां पर एंटर कर जाती है जिसको कहा जाता है हाइट या फिर ऊंचाई। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो हम ह्यूमन बींग्स जो होते हैं ना वो एक्चुअली में आते हैं यहां पर थर्ड डायमेंशनल बींग्स के तौर पे। और ये जो तीन डायमेंशंस होती हैं इनमें ट्रेवल करने के लिए हमेशा चौथी डायमेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जिसको कहा जाता है टाइम। तो इस वजह से हम थ्री डायमेंशनल बींग्स हैं जो कि कंट्रोल्ड किए जाते हैं फोर्थ डायमेंशन टाइम के द्वारा। अब होता क्या है कि अगर कोई हमसे हायर डायमेंशन का बीइंग होगा जो कि कंट्रोल कर सकता है हमारे फोर्थ डायमेंशन को, तो वो सबसे पहले हेल्पफुल होने वाला है हम लोगों को टाइम ट्रेवल करवाने के लिए। और ये जो फोर्थ डायमेंशनल बीइंग्स की कहानी आती है ये एक्चुअली में होते हैं आपके टीवीए की तरह, जो टीवी आपके पास में टाइम ट्रेवल करवाता है। पर ये जो टाइम ट्रेवल होता है वो जस्ट सिंपली आप प्रेजेंट जाते हो, पास्ट जाते हो या फ्यूचर कहीं पर भी जाते हो, तो इस टाइम पर ये सिर्फ एक छोटा सा काम कर सकता है, वो ये कि आपको कैरी कर सकता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। क्या ये इतना आसान है, समझ में नहीं आया ना। चलिए तो पहले हम लोग फोर्थ डायमेंशन जाने से पहले ये समझ लेते हैं कि एज अ थर्ड डायमेंशन बीइंग आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं अपने लोअर डायमेंशनल मतलब टू डायमेंशनल बीइंग्स को। चलिए तो जानते हैं हम लोग कि आखिरकार सबसे सिंपलेस्ट तरीके से कैसे हम लोग टाइम ट्रेवल को सीख सकते हैं। अब देखो ये आपके पास में सपोज आप कोई अपने बिल्कुल छोटे फॉर्म पे हैं, बेबी फॉर्म पे, और यहां पर आप हो चुके हैं अडल्ट।
जब आप बेबी फॉर्म से अडल्ट फॉर्म पर जाते हैं, और ये हम लोग बात कर रहे हैं किसी टू डायमेंशनल बींग की। टू डायमेंशनल बींग्स वो होते हैं जो कि इस एक्स वाई प्लेन पर मूव करेंगे। अगर इस बच्चे को अपने इस एडल्टहुड पर जाना है तो ये जो आपके पास में डिस्टेंस होगी ये कवर की जाएगी टाइम के अंडर, और इस टाइम के अंडर अगर आप इसको कवर करना है तो यहां से यहां तक जाने में आपको ज्यादा समय लग जाएगा। ऑब्वियस बात है भैया, सीधी लेंथ है। पर अगर मैं मेरी बात करता हूं तो भाई मैं हूं एक थर्ड डायमेंशनल बींग जो कि इस टू डायमेंशनल बींग के ऊपर अफेक्ट ला सकता है और यहां पर क्रिएट कर सकता है कुछ ऐसा जिससे कि मैं यहां करवा सकूं टाइम ट्रेवल। तो मुझे कुछ नहीं करना है, जस्ट ये जो टू डायमेंशनल स्पेस है मुझे इसको इस तरह से फोल्ड करना होगा, ठीक है। जैसे ही मैं इस टू डायमेंशनल स्पेस को यहां पे फोल्ड कर देता हूं तो इस वजह से अब मैंने यहां पर डिस्टेंस को कर दिया है छोटा, और टू डायमेंशनल जो आपकी टू डायमेंशनल स्पेस होती है ना इसको छोटा करके अगर मैं यहां पर ऐसा छेद कर देता हूं तो ये क्रिएट कर दिया है मैंने वर्म होल, और इस वर्म होल को क्रिएट करने की वजह से अब जो यहां पर डिस्टेंस थी वो हो चुकी है कम, और ये फेनोमेना जो होता है वो होता है आपके पास में टाइम ट्रेवल का। ये टाइम ट्रेवल आप करवा सकते हो किसी टू डायमेंशनल बींग को अगर आप हो एक थ्री डायमेंशनल बींग, और अगर आप थ्री डायमेंशनल बींग हो तो आपको ये टाइम ट्रेवल करवा सकता है फोर डायमेंशनल बींग जो कि आपके पास में स्पेस टाइम के फैब्रिक को बेंड कर सकता है थ्रू दो चीजों के, एक होता है आपके पास में लाइट और एक होता है आपके पास में ग्रेविटी। इन दोनों की हेल्प से कोई भी थ्री डायमेंशनल बींग इस टू डायमेंशनल बींग को करवा सकता है टाइम ट्रेवल। ओके, सो नाउ अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार कैसे हायर डायमेंशनल बींग कंट्रोल कर सकते हैं ओवर लोअर डायमेंशनल बींग्स के। अब देखो, इसी तरह से जब मल्टीपल डायमेंशन बनती है तो उन सभी के लिए एक पॉइंट आपके पास में डिसाइड होता है। यही पॉइंट से बनने वाली जो मल्टीपल डायमेंशंस होती हैं वो जनरेट करती है स्पेस टाइम फैब्रिक को। जैसा फैब्रिक आपके पास में आपस में कनेक्ट रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, उसी तरह से सभी डायमेंशंस एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। अगर आप बात करते हो फोर्थ डायमेंशनल बींग्स के, जो कि टीवीए थी, जो कि कंट्रोल कर सकती थी आपके प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर को, तो इससे जस्ट अगर आप हायर लेवल पर जाते हो जहां पर आती थी इसकी हाईएस्ट अथॉरिटी जो कि था कैंग द कॉन्करर, तो ये एक्चुअल में फिफ्थ डायमेंशनल बींग था। अब फिफ्थ डायमेंशनल बींग्स वो होते हैं जो रियलिटी को अल्टर कर सकते हैं। रियलिटी को अल्टर करना मतलब ये समय के उस बिंदु पर प्रेजेंट है जहां पर आपकी फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन, थर्ड, फोर्थ डायमेंशन सभी कोई वहीं से ओरिजिनेट हो रही है, और ऐसे लोग जो बाहर से इन चारों डायमेंशंस को देख सकते हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं आपकी रियलिटी को। इसी वजह से ये आपके जितने भी आउटकम्स हो सकते हैं उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट था ये था आपके पास में फिफ्थ डायमेंशनल बींग्स का। पर जब आप, ऑब्वियस बात है, देखो स्पॉइलर अलर्ट अभी से दे देता हूं, लोकी का सीजन 2 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके एक बार जरूर देख लेना। तो भाई लोकी जब इस सीजन के एंड में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है वर्ल्ड ट्री, या कहा जाए एक यूनिवर्सल ट्री जिसको कहा जाता है याग्रसिल, तो ये पॉइंट एक्चुअली में जो है वो है आपके पास में सिक्स्थ डायमेंशनल बींग्स का। मतलब ऐसे बींग्स जो ओवर रियलिटी चीजों को कंट्रोल कर सके। एक होता है रियलिटी को रैप करना या फिर उसको परिवर्तित करना, और दूसरा होता है कि उस रियलिटी को क्रिएट करना। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। कैंग जो था वो यहां कंट्रोल कर सकता था लोगों की फ्री विल के ऊपर, पर लोकी वो है जो अब यहां पर लोगों को फ्री विल दे सकता है या फिर अपने हिसाब से फ्री विल बना सकता है। तो इस तरह से आपके पास में ये सभी डायमेंशनल बींग्स जो होते हैं, जो कि जैसे जैसे आप हायर डायमेंशन पे जाते हो वैसे वैसे उस छोटी डायमेंशन या जो लोअर डायमेंशंस होते हैं उस पे ये लोग कर सकते हैं कंट्रोल। और इसके अलावा अब जैसे जैसे आप लोगों को पता है एमसीयू बढ़ता जा रहा है, तो वैसे वैसे यहां पर अब नए नए जितने भी आपके पास में बींग्स आएंगे वो आपसे सिक्स डायमेंशन से हायर बींग्स होंगे। और अगर बात की जाती है कि भैया प्रेजेंट में क्या ऐसा फिनोमिनन है, जी हाँ, ऐसा फिनोमिनन है, अगर आप लोगों ने एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट मिशिगो काकू के बारे में सुन के रखा हुआ है, तो इन्होंने अपने 11th डायमेंशनल स्पेस के बारे में एक बुक लिख के रखी है, मैं जरूर आपको रिकमेंड करूंगा, उस बुक को जरूर पढ़िएगा, जहां पर इन्होंने बात करी है कि भाई
जो भी आपके पास में डायमेंशनल हो सकते हैं वो मल्टी डायमेंशन हो सकते हैं, परंतु अभी सोच है या फिर हमारी सोच के अनुसार देखा जाए तो 11th डायमेंशन जो होती है वो होती है सबसे हायर लेवल पर। और अगर आप लोग को जानना है कि हर एक डायमेंशन कैसे अपनी लोअर डायमेंशन के ऊपर कंट्रोल कर सकती है तो भैया चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इसी पे आने वाला है जिसके अंदर हम लोग जानेंगे कि भैया ये डायमेंशनल बींग्स आखिरकार किस तरह से कंट्रोल करते हैं अपनी हायर या लोअर डायमेंशन को। चलिए जी, तो इसी बात पे करते हैं इस वीडियो का एंड। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।